मैं हूं सुभाषिस, आपका स्वागत है क्लैश चैनल में। आज आप लोग देखने वाले हैं कुछ भूतिया क्लैंस, लेकिन घबराइए मत, मैं हूं ना साथ में। तो घोस्ट क्लैंस, वी आर कमिंग। वेलकम गाइस। तो आज हम बात करेंगे कुछ भूतिया क्लैंस के बारे में, ठीक है। तो ये क्लैंस शायद हैकिंग है या कुछ है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है ये कुछ तो गड़बड़ है जो मैंने बुक मार्क करके देखे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले से बताता हूँ कि आप शायद देखना चाहें तो इनका कोड कॉपी कर सकते हैं, क्लैन टैग। पहला क्लैन है नो वॉल्स। इस क्लैन के प्लेयर्स के एक्सपी और प्लेयर्स के लेवल्स बहुत ही हाई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों इन लोगों ने इनके बेसिस में वॉल्स क्यों नहीं लगाई है। देखिए ये है फर्स्ट बेस। ओह शिट, इसका तो डिस्ट्रॉय हो गया, सॉरी सॉरी, दूसरा दिखाता हूँ। डिस्ट्रॉय होने पर भी वॉल्स तो दिखते हैं, देख लिए ना आप लोगों ने, वॉल्स नहीं थे। तो वॉल्स के और भी प्लेयर्स हैं, ये है दूसरा प्लेयर। गाइज मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादातर दिखा सकूँ। ये देखिए इस प्लेयर का बेस देखिए, सब अपग्रेड ही है लेकिन वॉल्स एक भी नहीं है। क्या है इनके दिमाग में मुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों ने एक भी वॉल्स नहीं लगाए, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग दूसरा क्लैन, ये तो मेरा क्लैन है डार्क फैंटेसी, सॉरी सॉरी, ये क्रिम्सन का लिख लीजिए। क्लैन कोड आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। ये जो इनका लीडर है ना, इस बंदे का तो टाउन हॉल 8 मैक्स ही है लगभग, लेकिन विजिट करने पर देख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक से देखिए, कुछ कम लग रहा है ना। कम क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस बंदे का टाउन हॉल 8 है, लेकिन देखिए ठीक से, एक भी कलेक्टर और स्टोरेज कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस शुरू करने पर ही एक कलेक्टर और शायद स्टोरेज देता है, मुझे याद नहीं है, टाउन हॉल 9 हूँ ना मैं, बहुत दिन से खेल रहा हूँ तो पता नहीं, लेकिन इस बंदे का एक भी स्टोरेज और कलेक्टर नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो इसका भी कोड कॉपी कर लीजिए क्लैन का। तो और भी सारे घोस्ट क्लैंस मैंने जो रिसर्च करके पाए हैं, ठीक है। ये देखिए रेड लाइन, रेड लाइन के प्लेयर्स तो काफ़ी, क्या कहूँ, सबके सब की नाम ही है रेड लाइन, और सबके सब के एक्सपी भी हैं 5। और इसका और एक हैरानी वाली बात है, आप लोग इस क्लैन के डिटेल्स देखिए, रिक्वायर्ड ट्रॉफीज देखिए। हम जानते हैं लगभग हम मैक्स ट्रॉफीज रिक्वायर्ड कर सकते हैं 4200 तक, लेकिन इसका देखिए 65535, ठीक है। दूसरा क्लैन दिखाता हूँ, ये है लीमा। क्लैन का नाम कुछ अजीब है, लेकिन यहाँ का भी रेड लाइन की तरफ कुछ एक टाइप ही है, लेकिन यहाँ पे सबके एक्सपी 4 हैं और सबके नाम लीमा ही हैं। लेकिन और एक हैरानी वाली बात है, विजिट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पेड़ के पास जेम्स बॉक्स है ना, इस क्लैन के सारे के प्लेयर्स एक ही जगह पे हैं, जेम्स बॉक्स देखते जाइए। पहला प्लेयर विजिट किया, ये है दूसरा प्लेयर, ठीक है, इसका भी नाम लीमा है। ये देखिए, अरे बाप रे, अरे यार इसका हट गया, सॉरी सॉरी। ये देखा पीर के पास है सब। और दो चार प्लेयर्स दिखाता हूँ लीडर्स। ये देखिए लीडर का भी सेम, इनकी हैरानी वाली बात है, इनके जेम्स बॉक्स हमेशा इस ट्री के पास ही उगते हैं, ठीक है। तो मैंने दिखा दिए, आप लोग भी विजिट करके देख लीजिएगा, कोड कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो, ठीक है।
तो दूसरा क्लैन का वीडियो में दिखा, सॉरी वीडियो नहीं मतलब दिखाता हूँ, इस क्लैन का कोई नाम ही नहीं है गाइस। और सबसे हैरानी वाली बात है, इसका लीडर का भी कुछ नाम नहीं है और इसके क्लैन के नीचे कुछ हाई लिखा है। ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसने कैसे किया मुझे नहीं पता। और एक ही प्लेयर है और नीचे लिखा हुआ है हाई। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा प्लीज़, ये मेरा सेकंड वीडियो है मेरे चैनल का, शायद अच्छा ना लगा हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ मेरे सपोर्ट के लिए कर दीजिएगा। तो मैं फिर से नया वीडियो लाने वाला हूँ। अभी के लिए बाय बाय।